बैग माई न्यू ब्लॉक में आप सभी का स्वागत है गाइस। तो आज हम बिल्लियों को छोड़ देंगे जंगल में, आजाद कर देंगे आज। ये देखिए हम जा रहे हैं बुढ़ेरा, बुढ़ेरा एक गांव है, उधर जा रहे हैं। बिल्लियां हमारी आज के बाद हम आजाद कर देंगे आज बिल्लियों को, जा रहे हैं। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ जहाँ भी रहे भाई उन्हें खाना मिलता रहे, वो खुश रहे। हो सकता है किसी पास चली जाए तो वो भी पाल ले। हमारी मजबूरी खाली खाना देने की नहीं थी, भाई परेशान होती है गाँव में, इसलिए लोग भी बुरे हैं गाँव के। आ गई है मटमैला पानी, मटमैला पानी कॉटन द साथ। बिल्लियां रो रही है भाई, ये देखिए इधर आ गई यार, ब्रेक लगाऊंगा देखिए भाई, पैर के नीचे आ गई। चलो भैया जा रहे हैं आज, मन तो नहीं कर रहा छोड़ने का, लेकिन भाई को परेशान करती है इसलिए छोड़ते हैं भाई। एक साल हो गया ना भाई, एक डेढ़ साल हो गया हमारे पास, ज्यादा हो गया। बन गए देखो गाइस, बहुत ही रोड बन गए बढ़िया, और बिल्ली मैं मैं करे जा रही है। अब कहाँ छोड़ेंगे उनको, देखते हैं गांव के आसपास इसको कर देंगे आजाद। तो बिल्लियों को पालेगा बिल्लियां डुबो, देखो भाई चले जा रहे हैं, बहुत बढ़िया रोड लग रहा है। छोटे छोटे रोड जो है प्रधानमंत्री के जो योजना के अंतर्गत आते हैं वो सब बन गए हर जगह, छोटे छोटे गाँव। जहां हम जा रहे हैं कई साल पहले यहाँ पे रोड ही नहीं था, देखो कितना सुंदर रोड बन गया, सिंगल है बट रोड है, और पहाड़ी पहाड़ है, कितना सुंदर लग रहा है। बाइक वाला देखो कैसे आ रहा है, छूटे जा रहा है, ये देखो कितना सुंदर पहाड़ है, उसे देखो भाई क्या सुंदर पहाड़ है। देखो यहाँ आप टापू पे आ गए, हम टापू पे देखो गाय भी आ रही है, ऊपर बैठ के गेमिंग करते हैं। एक छोटी सी बछिया, एक गाय लाल वाली, हम दिखाएंगे आपको बंधा, बांध जरूर दिखाएंगे आपको, चलेंगे तो बांधे भाई, सुजारा बांध जरूर दिखाएंगे भाई, जब इतना हमने खर्चा किया तो जरूर जाएंगे, गाड़ी भी ले जाएंगे। तो चलिए भाई निकल पड़े हैं भाई, सबसे पूछ लिया है एड्रेस। हाँ नहर है इस एरिया में, जो भी जिसने भी बनाया बहुत अच्छा है, नहर किसानों के लिए बहुत अच्छी लगती है, खेतों के लिए पानी की कमी नहीं पड़ती। और ये सुजारा बांध बहुत ऊंचा है, अभी चलते हैं वहाँ पे सामने का व्यू, बने रहिए लोगों, कहीं जाइएगा मत, मजा आने वाला है। सुजारा बांध मतलब कई कई खेत उसमें डूब गए हैं, मतलब जो सरकार ने बनाया बांध उसमें डूब चुके, बड़े पेड़ डूब चुके हैं, दिखाते हैं अभी तक लोग कहते थे हम देखेंगे आंखों से, आपको दिखाएंगे ब्लॉग के माध्यम से। चलिए तो चलते हैं, पानी है, पानी है, नहर है भाई, ये नहर है सुजारा बांध की नहर है, और ये पूरा बहुत बड़ी बांध जो है बना हुआ सुजारा बांध। चलते हैं भाई जी, है सुजारा बांध के लिए आगे, सुजारा बांध के लिए रोड गया है, वहीं हम जा रहे हैं। ये नहर है, काफी गहरी नहर है, काफी बड़ी नहर है, इससे क्या है खेतों में, खेतों के लिए ये नहर बनाई गई थी, और जो बांध बना हुआ है वो भी किसानों के लिए बनाया गया था, बहुत अच्छा कदम सरकार का, काफी राहत है। ये देखिए इस टाइम मैं यहीं पे खड़ा हूँ, अभी हम जाएंगे सुजारा बांध तो देखेंगे, उसी लिए आए हम। नदी नहीं है ये, सुजारा बांध है, बहुत जब भर जाता था बहुत ही ऊपर तक आ जाता है पानी, और सारे तरफ भर जाता है सुजारा बांध, देखिए कितना पूरा एकदम बड़ा हुआ, पूरा सुजारा बांध दूर तक दिखाई। देखो हम यहाँ पे बिल्लियों को आजाद करेंगे, क्योंकि वो घूमना फिरना ज्यादा पसंद करती है, तो हमको आजाद कर देंगे। तो देखिए भाई डुग्गू भी है और ये बच्चा है कैट का, आज हम इनको आजाद कर देंगे, क्योंकि काफी दिन से हमारे पास थे, ये ठीक हो चुके हैं, अब इनको हम आजाद करने आए हैं। तो ये आप जंगल में कहीं भी रहेंगे, यहाँ छोटा सा गांव भी, यहाँ पानी वगैरह खूब है, तो यहाँ आराम से रहेंगे। तो ये देखिए हमने छोड़ दिया है, अब ये देखो ये दूध पी आ रही है मम्मी मेरी, दूध पी के पेट भर के अपने जाओ भाई, जहाँ तुम्हें आजाद कर दिया आज से, अपने जहाँ मर्जी रहो। तो देखिए ये तो देखो, ये तो भागता हुआ नजर आ रहा है, और इतनी तेजी से भागा ये देखिए कितनी तेजी से भागा, बहुत ही तेजी से निकल जाएगा ये, तो देखो बच्चा भी उसके साथ जा रहा है, आधे रास्ते जाएगा, लेकिन ये बाप अपने माँ के पास आ गए, माँ बैठी हुई है बच्चे की, और अपने माँ के साथ रहेगा बच्चा, लेकिन वो जो बिल्ली का बड़ा है वो अपना निकल जाएगा, कहीं जंगल की साइड निकल जाता है, वो दूर दूर तक नजर नहीं आता, भागता हुआ नजर आता है, देखो कितनी तेजी से जा रहा है, वो जा रहा है नजर आ रहा है, ये देखिए कितनी तेजी से भाग रहा है, उसके पीछे बच्चा भी जा रहा है, लेकिन बच्चा लौट आएगा माँ के पास, माँ बच्चा एक साथ रहेंगे, लेकिन वो बड़ा वाला जो बिल्ली थी वो देखिए चली जा रही है, और वो जंगल की साइड चली गई, देखिए कितनी जोर से भाग रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे वो आज़ाद के लिए ही था, वो आज़ाद होना चाहता था और हमने उसे आज़ाद कर दिया है, और यहाँ पे खूब सारा जंगल है, अपना यहाँ पे खेलते खेलते रहेंगे। वो देखिए जा रहा है, ये पट्टी में चढ़ा और ये कूद गया, यानी पहाड़ी में चला गया, वो तो वो आज़ाद हो गया है, बाकी
जो बच्चा है कैट का और बिल्ली है वो एक साथ रहेंगे यहाँ पे। ये देखिए तो मैं उतर रहा हूँ नीचे, और ये देखिए देख लिया हमने इनको भी, ये भी आजाद कर देंगे हमको। तो चलिए, वो छूट नहीं चाह रहा था, ऐसा लग रहा है बिल्ली को छोड़ के छूट दिया, दुख तो हो रहा है। देखिए आजाद कर दिया हमने, ये बिल्ली लड़ रही है भाई। तकरीबन 1.5 साल के बाद मैंने अपने कैटों को आजाद कर दिया भाई, बुलाओ उस कुत्ते को, बुला लो भाई। तो गाइस ये है सुजारा बांध, काफी बड़ा बांध है और यहाँ पे पानी की कोई कमी नहीं है, लड़ने को ताकत तैयार होगी। बिल्ली सुरक्षित होंगी यहाँ पे, बिल्लियाँ यहाँ पे काफी सुरक्षित हैं, पूरी जंगल है, पूरी आजादी है। एक ये रही, एक रोड क्रॉस कर चुकी है भाई, पकड़ लिया उसे, वो बेटा। अरे वो रहा। वो बेटा, कुत्ते को कहाँ गई भैया बिल्लियाँ भाई? थोड़ा थोड़ा बुरा लग रहा है, यहाँ पे चारों तरफ ही पानी भरा हुआ है पूरी तरह, दुख हो रहा है। हाँ भाई दुख तो हो रहा है। तो गाइज गांव के बच्चे वगैरह इनको 2 बिल्लियों को ले जाएंगे और ये पाल लेंगे और यहाँ काफी खुश रहेंगी। वो देखिए नीचे हैं, वो रही एक, तो ऐसा लग रहा है जैसे छूटना ही चाहता है, वो सीधा गाड़ी से निकला और जंगलों में भाग गया। चलो वीडियो बनी नहीं बनी। तो गाइज खुशी तो हो ही रही है कि आजाद हो गए, लेकिन दुख भी थोड़ा हो रहा है क्योंकि मैं दिल्ली से खाना बेचता था। अब एक नए बांध का पता चला है तो वहां जा रहे हैं अब देखने। देखो भाई कितना सुंदर नजारा है। एक और ये राम मुख्य बांध, ये है देखिए कितना बड़ा बांध। तो गाइज हम सुजारा बांध के दूसरे छोर पे हम पहुंच चुके हैं, यहाँ से काफी ऊंचाई पर ये बांध है और काफी बड़ा है और मेरे को डर भी लग रहा है यहाँ से देख रहे, काफी खूबसूरत नजारा है। तो चलिए हम उतर के दिखाते हैं आपको बाहर का व्यू, काफी पानी भरा हुआ है, काफी बड़ा है। चलिए चलते हैं, हम नीचे उतरते हैं और आपको दिखाते हैं सारा व्यू। ये है सुजारा बांध, ये पता नहीं टापू से क्या है, कितना गहरा है ये बताओ। ये बहुत गहरा है, नहीं फोन नहीं गिरा रहा, बहुत ही गहरा है, यहाँ से कूदरा है। अरे रहने दो, बहुत गहरा, डर लग रहा है देखने बहुत गहरा, वहां तो जमीन ही नहीं दिख रही, वहां तो जमीन ही नहीं दिख रही, हो सकता है यहाँ पे कुछ और हो। इस तरफ नदी का पानी भी इसी में जा रहा है, इस नदी का पानी भी इसी में जा रहा है। ये मंदिर है देखो, ये रहा मंदिर, यहाँ पे यहाँ बरसात तो काफी दिन लगी नदी को। तो भाई फिलहाल चलते हैं, चलो चलो तब हम भी चलते हैं। चलो भाई बांध देख लिया, अब पसा चली जाते यहाँ पे इस तरफ खेती खेत है, जंगल ही जंगल है भैया, इधर बांध है पूरा। ये देखो पहाड़, पहाड़ पे से जा रहे हैं, इधर पहाड़ को उधर से जोड़ दिया ताकि ये बांध बनाने पड़े। तब कहाँ से पकड़ा भाई? तो यहीं से पार होके जो है भागा था। ये देखो आओ आओ, मोर पाल के लेके चलनी है। देखो गाइस मोर में, देखो ये देखो गाइस मोर है, कितनी सुंदर मोर है। आओ आओ आओ, ये का पली खिलाने यार, आजा।
देखो मोर, पीकॉक मोर देखो कितनी सुंदर लग रही है, पली हुई है किसी की सामने, जो घर बने उन्होंने पाली हुई है। चलो मोर बाय 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 बाय। अगर मौसी के यहाँ, हमारी मौसी है, ये हमारी मम्मी है। मम्मी अपनी सिस्टर के पास यानी बहन के पास आई है, बीमार है ना वो। मम्मी देखो ये है, ये मौसी है, ये मौसी बीमार है, यहाँ देखने आए थे, हालत ठीक नहीं है उनकी, तो भाई उनको इलाज की ज़रूरत है। चलो हम तो चलते वापसी। ये है मैं भैया, किसानी खूब होती है इधर, लकड़ियों के इतने बड़े बड़े, बहुत उम्र से गर्मी बहुत ज़्यादा है भैया। हाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, पेड़ हैं ये बहुत मोटे मोटे, इनका कुछ बन सकता है। इस टाइम उमस बहुत है, बारिश वारिश हो रही है, ये हमारी पगली बिटिया है भाई। ये गांव में अपनी जमीनों पे ट्री हाउस बनवाते हैं ना, हैं ट्री हाउस। हाँ फ्री हाउस। अरे नहीं चलो गाइस, तो गाड़ी यहाँ पे रखी हुई है, उमस ज़्यादा हो रही है, मम्मी को दिखा दिया, मम्मी बहुत जिद कर रही थी, उनको बुरा लगा था कि उनकी सिस्टर जो है बीमार है। और ये यहाँ कस्बा है, यहाँ दूर दूर तक कोई पेट्रोल पंप नहीं है भाई साहब, यहाँ से 20 किलोमीटर पेट्रोल पंप है, मेरी गाड़ी में 1 पॉइंट पेट्रोल पंप है, चला जाए हो जाएगा वैसे, लेकिन कभी ऐसे जगह जाओ तो पेट्रोल फुल होना चाहिए, जैसे उत्तराखंड में पहाड़ों पर जाते तो पेट्रोल फुल भरा के चलो, वैसे आज मेरे साथ भी हो गया है, अचंभव हो गया है, लेकिन जहाँ तक मेरे को वैसे गाड़ी का नॉलेज है हो जाएगा वहाँ तक पेट्रोल। चलिए फिलहाल गाड़ी खड़ी हुई है, अब चलते हैं, मम्मी से कहते हैं चलो मम्मी। ये देखो गाड़ी खड़ी हुई है सामने यहाँ पे, जहाँ मैं जिस गांव में जा रहा हूँ, जहाँ भी जा रहा हूँ, तो गाइस वहाँ पे ना मूंगफली लोग ज़्यादा लगा रहे हैं, हमारे गांव में भी मूंगफली लोगों ने लगाई है बहुत ज़्यादा। और इधर देखो मैदानी है, भैंसें वगैरह गाय वगैरह खूब दिख रही हैं इधर, ये देखो मूंगफली का खेत ही है, ये जो मूंगफली वो रखी है यहाँ पर पूरी, ये ईंटें का चट्टा है, वहाँ देवता हैं, जय हो मेरे बाबा। ये देखो जहाँ जहाँ तक नज़र जा रही है, गाय भैंस खूब नज़र आ रही है, देखो दूर दूर तक बैठ गए आप सब। ठीक है, कितने सुंदर लग रहे हैं सीधे सीधे, उमस बहुत है, मुझे लगता है जैसे पानी की लाइन डलेगी, काफी तरक्की हो रही है गांव में। देखो ये पाइप पड़े हैं, लाइन से पाइप लाइन के लिए बिछाया, गंगा वाटर लाइन है वो चालू होगी शायद।